बेसिकली गाइस क्या है ना, आजकल इंस्टाग्राम में डुअल टोन फोटोज़ बहुत चल रही है। तो ये फोटोज़ को ना एडिट करना मोस्टली लोगों को लगता है कि कंप्यूटर में होता होगा, लेकिन आज अपन इसको मोबाइल में एडिट करने वाले हैं। आप चाहो तो इसको लाइट रूम और पिक्सआर्ट दोनों में एडिट कर सकते हो, लेकिन अपन पिक्सआर्ट यूज़ करेंगे क्योंकि वो फ्री है। आपको अगर पूरी चीज़ें करनी हो तो पिक्सआर्ट में फ्री में हो जाता है, लाइट रूम में पेड है। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे को ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये डुअल टोन फोटोज़ हैं, आप देख रहे हैं इसमें एकदम गरम ठंडा ब्लू और पिंक या रेड टाइप के कलर्स, एकदम एक साइड पे ब्लू है एक साइड पे रेड है, उस टाइप के कलर्स एकदम ज़्यादा ही ड्रास्टिक टाइप का दिखता है, कुछ ज़्यादा एकदम पॉप आउट होता है ये सारी चीज़ें। और बेसिकली बहुत चल रहा है ये चीज़। असल में इसको मोबाइल से करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसलिए मोबाइल से कर रहा हूँ, लेकिन इसको चाहो तो कंप्यूटर से करने में क्या है, आप हाइलाइट्स को प्रिजर्व रख सकते हो। तो चलो आज भी अपन एक ऐसी फ़ोटो को एडिट करते हैं। अपन आ जाते हैं पिक्सआर्ट में, जहाँ बेसिकली अपन ना ये वाली जो फ़ोटो है, ये वाली फ़ोटो को अपन डुअल टोन वाला लुक देने की कोशिश करेंगे। चलो सबसे पहले इसको बेसिक एडिट कर देते हैं। वैसे तो काफ़ी अच्छी लग रही है पहले से ये फ़ोटो, लेकिन थोड़ा सा एडिट कर ही देते हैं ताकि अपने लुक पर थोड़ा अच्छा दिखे। कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा देते हैं। अपन को ऐसा भी लग सकता है फ़ोटो में कि जो फुलझड़ी है, जो भी ये फटाका है, उसके कलर के थ्रू ऐसा हो रहा है, तो ये एक अच्छा मैंने सोचा ऐसा कर सकते हैं अपन। सैचुरेशन को पूरा ख़त्म करना है ताकि ब्लैक एंड वाइट हो जाए फ़ोटो। ज़रूरी है कि अपनी फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट में है तभी अपन कलर ऐड करेंगे। अगर मान लो कि ऐड ना करें तो थोड़ा अजीब लग सकता है। हाईलाइट्स को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, शेडोज थोड़ा कम, टेम्परेचर को रहने देते हैं। अब बेसिकली हमको ना यहाँ से ड्रॉ टूल में जाना है और ड्रॉ टूल में जाके ड्रॉ दबाना है, और ये यहाँ पे साइड में जो स्टैक वाला बटन है उस पर जाके एक लेयर ऐड करनी है। पहले से तो ऑलरेडी एडेड है, उसमें जाके इसके ब्लेंडिंग मोड को यहाँ पे जो नॉर्मल लिखा है उसको ओवरले कर देना है। उसके बाद में कलर चूज़ करना है अपन, चलो रेड कलर लेते हैं पहले। तो अपन ने रेड लिया, सेलेक्ट किया, ब्रश टूल में दबाया और इसका साइज़ को बड़ा कर दिया, ओपेसिटी को भी बड़ा कर दिया, और हार्डनेस को थोड़ा सा 20 के अराउंड, 20 और 50 के बीच में रखना है। ज़्यादा हार्ड नहीं रखना, एकदम हार्ड वो बन जाएगा। इसको 20 से 50 के अराउंड, चलो 21 रखा है मैंने, सेट कर दिया। अब इसमें हमको ऐसे वैसे एक लाइन खींचनी है। भले देखने में बड़ी अजीब लग रही लाइन, लेकिन आगे समझ आएगा अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, फिर अपन ये गए स्टैक वाले पैनल में और इसमें जाके ये तीन वाले बटन में ट्रांसफॉर्म दबाएंगे, और ट्रांसफॉर्म में बेसिकली हम इसको पिंच एंड जूम करके कुछ ऐसा कर देते हैं कि ये बड़ा हो जाए और काफ़ी फैल जाए। और जूम करो और ऐसा सेट करो कि फ़ोटो का आधा हिस्सा वो ले ले, कुछ ऐसा। ठीक है, ज़्यादा नहीं लेना है, आधा हिस्सा लेना है। तो ये वाली लेयर हो गई। वैसे ही अपन एक और लेयर बनाते हैं, एड लेयर में जाके एम्प्टी लेयर किए, इसके भी नॉर्मल को ओवरले किए, और फिर कलर चूज़ करते हैं अपन, टील सा लुक कर लेते हैं। टील कलर क्या है ना, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। तो ये हमने लिया टील कलर। उसके बाद फिर ये ब्रश में अपन ने इधर लाइन मारी। अब अपन फिर से स्टैक वाले में जाके ट्रांसफॉर्म दबाएंगे और फिर वही जूम जूम, बेसिकली वही सेट कर रहा हूँ मैं। और तो ये हुआ। अब ना मतलब एक काम ये कर सकते हैं अपन कि दिख तो अच्छा रहा है, लेकिन ना ऐसा लग रहा है कि बस उतना ज़्यादा मतलब ऑथेंटिक लग नहीं रहे, तो अपन एक लेयर ऐड करते हैं और उसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं। ठीक है, 20 के अराउंड कर देते हैं। तो जो टील कलर लिया है उसको हम ना थोड़ा थोड़ा इसकी स्किन के अराउंड, थोड़ा ऐसा लगना चाहिए ना कि फटाके से इससे कलर आया है एक्चुअली। तो यही बेसिकली हमने ये कर दिया इसकी तरफ कलर। थोड़ा ज़्यादा ओपेसिटी लग रही है तो थोड़ा सा कम कर देंगे, दूर से देखते हैं, थोड़ा ज़्यादा लग रहा है ना तो थोड़ा कम कर देते हैं, 9-10 के अराउंड। ठीक है, और वही चीज़ रेड कलर के साथ भी कर देते हैं। ये लिया हमने कलर को रेड, ओके रेड, फिर जूम इन करके
तो बेसिकली हमारी यहाँ फोटो हो गई है एडिट, अपन ऐसे एडिट कर सकते हैं ये डुअल टोन फोटोज़ को। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट में बताओ, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।